नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव नगला चतुर्भानपुर में कुछ समय शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जब दो लोगों की शराब पीने के बाद अचानक मौत हो गई। मौत के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि दोनों लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि संभल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगला चतुर्भानपुर। ये जो रात खत्म हुए हैं दो लोग, ये आपके कौन लगते थे? ये चाचा जी हैं। कैसे खत्म हुए हैं, क्या मामला हुआ है? ये पूरे दिन भराई फराई करी और एक बारात आई चाचा की लड़की की, शादी में बारात वालों को खाना फाना खिलवाया, अपने घूमने निकले आए तो निकले आए, इनके लड़का की शादी तय हो गई, ये रिश्तेदार है तो दोनों घर में बैठे, तो गे रिश्तेदार घेर में बैठे रह गए, तो अपना गांव के लिए निकले आए, तो फिर दारू लेके आए कहीं से क्वार्टर, तो वो ही पिए। अच्छा, क्या क्वार्टर लेके आए थे? मैंने तो ये ही सुना है। अच्छा, तो कितने लोग खत्म हुए उससे? दो लोग। क्या आप इनकी कौन थी वो जिसकी शादी थी? परवान में से। अच्छा, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीन लोगों ने दारू पी थी, एक व्यक्ति बच भी गया है? हाँ, पता नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं, दो लोग होने में तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरनाम है जी, सरनाम सिंह यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव के, नगला चतुर्भानपुर। अच्छा, ये जो रात क्या हादसा हुआ है? ये ऐसा था, हमारे परिवार में लड़की की शादी थी, तो शादी में हम सब लोग व्यवस्था बना रहे थे, हमारा एक मेहमान आया था, तो हमारे जो भाई उर्मान है ये बोले कि आ जाओ थोड़ा बहुत लोगे, मतलब तो आप उसमें ये एक पौवा लिया था, और ये पौवा पता नहीं कहाँ से लाए थे, तो इन्होंने एक पौवे से दो पैक लिया आपस में, दोनों पैक पीने के बाद 10 मिनट में ही आपस में एक इंगे गिरा और एक इंगे गिरा, उसके बाद हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे बेहोश हो गए, इनको फिर हम तुरंत लेके भगे दवाई के लिए। अच्छा, बताया जा रहा है दूसरा भी पौवा लेकर आए थे, उसमें से किसी तीसरे व्यक्ति ने पी थी। तीसरे व्यक्ति के मुझे शायद पता नहीं है, मैं कैसे कह दूंगा तीसरा व्यक्ति था, हमें तो ये पता है कि दोनों भाई एक पौवे में पिए थे इन्होंने। अच्छा, तो इसमें कितने लोग खत्म हुए हैं? इसमें दो, दो लोग। प्रधान जी, आज ये आपके गांव में दो लोगों की मौत हुई है, वो कैसे, क्या मामला है? ये मेरी जानकारी में शराब के कारण हुई है, विषैली शराब के कारण। अच्छा, कितने, दो लोग मरे हैं? दो लोग मरे। अच्छा, कहाँ कहाँ के थे ये? एक तो हमारे गांव के थे, उर्मान पुत्र इंद्र। अच्छा, दूसरे? दूसरे कोई रिश्तेदार थे। अच्छा, ये किस फंक्शन में आए थे? कल्याण सिंह की लड़की की शादी थी। धनारी थाना क्षेत्र के नगला चतुर्भानपुर में कल्याण है व्यक्ति जिनके घर पे शादी समारोह था, वहाँ पे बहुत सारे उनके रिश्तेदार आमंत्रित थे और वो आपस में खाना पीना कर रहे थे, इसी बीच में दो व्यक्ति जो तोकी और उर्माल हैं उनकी तबीयत खराब हो गई रात्रि में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कई सारे लोग शराब पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे, जिसमें केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था और इनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी इनकी सारी जांच की जा रही है, अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नहीं निकल के आया है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई हो, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि मृत्यु का कारण क्या था और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी कई सारे लोग, इनके कई सारे रिश्तेदार जो वहाँ पे इकट्ठे थे, वो सारे लोग खाना पीना कर रहे थे और केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और इन सभी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी भेज दी गई है और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं फूड के और अदर साक्ष्य, उन सबको कब्जे में लेकर के मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल से केकेडी न्यूज़ संवाददाता कुमार पाल सिंह यादव की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।